लोग निकल गए इंदौर के लिए. सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. इंदौर में हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है. अभी वहां पे दर्शन करेंगे अगर होपफुली हो गया तो पापा, बिकॉज इंदौर में हमने स्टे करना था. एक्चुअली प्लान वही था बट होटल्स सब क्या कहते हैं फुल है, हम लोग को बुकिंग मिला नहीं, इसलिए चेंज इन प्लान थोड़ा सा. इंदौर में स्टे नहीं लेंगे और दर्शन होंगे कि नहीं वो भी श्योर नहीं. अगर नहीं हुए तो फिर बारो बार निकल जाएंगे बॉम्बे के लिए, बिकॉज एक दिन बेवजह कहीं पे भी स्टे करके वेस्ट करके मतलब है नहीं. तो इट्स बेटर कि हम लोग निकल जाए. और यहाँ से ओमकारेश्वर है 138 किलोमीटर, 3 घंटे लगेंगे, 9:30 तक होपफुली पहुंच जाएंगे. के पास जाएगा एंड वहाँ से मतलब आपको चाहिए तो फिर ब्रिज है, तो आप ब्रिज के थ्रू भी जा सकते हो, वरना बोटिंग करके जाना तो वो भी जा सकते हो. तो ये लोग का आपस में सेटिंग है, क्योंकि अगर वहाँ से दूसरे साइड से जाते हैं तो आपको 4 किलोमीटर का वॉक करना है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं. अभी कौन मगजमारी करेगा, बिकॉज वैसे ही हम लोग को बॉम्बे के लिए निकलना है, टाइम है नहीं, तो ये कवर करके फिर निकल जाएंगे. बोट से जाने का प्लान था, वो हम लोगों ने प्लान ड्रॉप किया, बिकॉज हम लोग ने जो गाइड उसको दिया था गाइड लिया था उसके पास से, उसने बोला कि बोट से ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज वेटिंग बहुत ज़्यादा है. बेटर कि हम लोग पैदल ही चले जाए, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कहा हम लोग के पास टाइम नहीं है. अंदर होपफुली लाइन ज़्यादा ना, और वीआईपी एंट्री में भी एंट्री फटाफट मिल जाए. भाई ये ब्रिज तो हिल रहा है लेजेट, वो वॉबल मार रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है. मैं अभी वीडियो निकाल रहा था, मैं फेंसिंग के सपोर्ट पे था, ऐसी फेंसिंग है इसके सपोर्ट पे था और ये ब्रिज हिल रहा था, मेरे को ऐसा फील हुआ. अब ये मुझे फील हुआ कि मैं फेंसिंग पे इसलिए या सच में ब्रिज हिल रहा है पता नहीं. एंड ये ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे तो बसड़ मछी पड़ी है, बंदा बंदे के ऊपर है, और ना यहाँ पे वीआईपी है ना कुछ है, शायद हमारा कट चुका है. लेट्स सी. हेलो भैया, फाइनली दर्शन हो गए. 2.25 घंटे लगे, ना मैनेजमेंट ना सिस्टम. एनीवेज अभी प्लान बन रहा है ममलेश्वर दर्शन करने का, बस वही दर्शन करना, उसके बाद सब खत्म, उसके बाद बॉम्बे के लिए. ये तो सुबह से पेट पूजा हुई नहीं, वो भी करना है. फाइनली भाई गाड़ी में आके बैठ गया, थोड़ी राहत मिली, पेट पूजा हो गई हमारी. बट ममलेश्वर के दर्शन हमने अंदर जाके नहीं किए, बिकॉज उसके लिए भी लाइन था और 1.25 घंटा लगता. मतलब नहीं था, बिकॉज ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं करने थे, करने थे, बट हमने जब गूगल पे चेक किया 12 ज्योतिर्लिंग में से नहीं आ रहा है, तो हमने सोचा फिर कभी के लिए रखते हैं, अभी जान देते. बिकॉज अभी मुंबई के लिए हमने लोकेशन डाला मेरे घर का, तो ये 12:42 रात के, मतलब और ऊपर से रात का टाइम, मतलब ट्रैफिक मिलना 100% गारंटीड है, बिकॉज बड़ी गाड़ियाँ तभी छूटती है. होपफुली फटाफट रास्ता बीच में कवर हो जाए तो अच्छा है, वरना आते टाइम तो इतना खाली था. अभी हम लोग निकल रहे तब पता चल रहा है अंदर तो गर्दी है ही, यहाँ भी इतनी ही गर्दी है, मतलब ये लोग ने रुका के रखा है बेवजह, पता नहीं क्यों. और अभी ड्राइविंग पापा को ही दे दिया, मैं अभी थोड़ा 2 घंटा सो जाऊंगा, बिकॉज सर बहुत भारी हो चुका है गर्मी की वजह से. 4:15 हो रहे हैं और अभी फाइनली डीजल ब्रेक, बिकॉज डीजल का फुल टैंक करा के निकले नहीं थे, तो अभी सोचा डीजल ब्रेक भी ले लेते अभी, और यहाँ पे ही चाय ब्रेक भी ले लेंगे, बिकॉज 4:15 तो हो ही रहा है, तो वाई नॉट. अभी डीजल ब्रेक लिया है तो चाय और कॉफ़ी ब्रेक अभी ख़त्म करके, तो फिर वापस 1 घंटे बाद रुकना ना पड़े. ये ट्रिप एंड होते होते आईफोन को भी झटका लगा है, अभी इतने टाइम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 30-35 सेकेंड्स रिकॉर्ड करेगा, इसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा. कैमरे पे बंद हो तो अच्छा है, बिकॉज इसके पहले ऑलरेडी 2-3 बार बंद हो चुका है. ये हो गया, ये हुआ 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 हुआ. तो
कभी ऐसा कैमरा बंद हो जाता है, अभी पूरा 3 दिन अच्छे से चला, अभी ट्रिप एंड होते होते इसको दिक्कत आ रही है शूट करने में। फाइनली ड्राइवर्स चेंज, फाइनली पापा ने गाड़ी दे दी, सुबह से एक भी बार नहीं चलाया यार। और अभी यहाँ से मुंबई बचता है 366 जो हम लोग को ले गए 8 घंटे और रात को 1 बजे के आसपास पहुँचेंगे अभी। और इसमें खाने का ब्रेक, डिनर ब्रेक भी बचा है, होपफुली कवर होके टाइम पे पहुंच जाए, बिकॉज 12-1-2 बजे तक नहीं पहुंचना, ज़्यादा लेट हो जाएगा। नहीं अभी थोड़ा ड्राइविंग पे फोकस करते हैं, मिलते हैं आपसे जब कभी भी। When I started balling, I was young. You gon' think about me when I'm gone. I need that money like the ring I never won. I want. Sussing, sussing, I'm sussing on you. I'm swagging, I'm swagging, I'm swagging on you. I'm balling, I'm balling. Watch out, oh watch out, oh watch out, yeah. I smash out, I smash out, I smash out, yeah. Spending, I'm spending on my fucking pay. Ooh, it's done. Cigarettes in a heaven. Kamikamas in my head, man. Slumped over like a dead man. Red and black by my bread, man. I'm the answer, never question. Lace up, learn a lesson. Bitch, I'm saucing. I do the saucing. Don't do no talking. 8:30 हो रहे हैं और हम लोग ने यहाँ पे होल्ड लिया है अभी। क्या नाम है, सागर सवित्री कुछ तो है अभी, पता नहीं। जगह अच्छा लगा तो कर दिया आप। फाइनली भाई रात के 12:20 हो रहे, हम लोग फाइनली पहुंच गए, टाइम पे आ गए, जो बता रहा था गूगल मैप उस हिसाब से टाइम पे पहुंच गए। तो ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपको उज्जैन वाली सीरीज पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, जब कभी भी कंटेंट मिलेगा तब। बाय।